अलख निरंजन महाराज, ये बच्चा मेरा है महाराज, मुझे मेरा बच्चा दिलवा दीजिए महाराज। नहीं महाराज, ये बच्चा तो मेरा है महाराज। नहीं महाराज, ये बच्चा मेरा है महाराज। ये झूठ बोल रही है महाराज। नहीं नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये बच्चा मेरा है। नहीं महाराज, ये बच्चा मेरा है। अगर ये बच्चा इसका है तो इसका कोई साक्षी तो होगा। ये देखिए महाराज, ये देखिए, मेरी गोद में है मेरा साक्षी महाराज। स्वर्गवासी पति और इस घट घट परमेश्वर के सिवा मेरा कोई साक्षी नहीं है। झूठ बोल रही है महाराज। नहीं महाराज, मैं मेरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोली। ये बच्चा मेरा है, मुझे न्याय करना होगा। अधिक अधिक को बुलाया जाए। विपत्ति में बछड़े को देखकर छुपेगी माँ के वह है, नहीं छुपेगी, नहीं छुपेगी। बदे यह बालक इस स्त्री से खिलो और इसके दो टुकड़े कर दो। एक टुकड़ा इस स्त्री को दे दो, एक टुकड़ा इस स्त्री को दे दो। अभी न्याय हुआ जाता है। नहीं महाराज, मत मार लाल मेरा, मत मार लाल मेरा, छाती भर आवे रे लाल से पहले तेरे माता। Thank you.
सरी बरी छाती को या चुका दूं मैं अपने ही लाल पे, क्या बिजली आ गिरा दूं मैं, दे दो इसी को, दे दो इसी को, पर बदना होने दूंगी मैं, इसी की गोद में देखूंगी। और भाव जो आंसू बनकर निकल रहे हैं, निराश स्त्री बैठ कभी भलता भूलता नहीं, झूठी लालसा की पूर्ति से वंचित रखना ही तेरे लिए पर्याप्त दंड है। देख ये बालक स्त्री को दे दो और तो निकल जा यहां से। असली माता होगी प्रकट, क्या सुंदर सरल उपाय किया, चल वो दूध हो गए अलग, वे राज हंस ने न्याय किया। एक पात्र भी मंगाना, पात्र यतीमों को रुलाया ना करो, गरीबों को सताया ना करो। सेठ जी रुपये लेकर के इनकार करते हो, ऐसा अन्याय मत करो। सेठ जी श्रीमान न्याय करो, न्याय करो। क्या है, झूठ है महाराज, सरासर झूठ है। श्री महाराज ये जो तेली दिखाई दे रहा है ये अत्यंत दूर तो चालाक है। जब ये मेरे से कर्जा लेने आया था तो रोता था, गिर गिराता था, अरे पैरों पर अपनी नाक रगड़ता था, अब देते समय बहाने बना रहा है। मैं बहाने बना रहा हूँ सेठ जी, ऐसा झूठा अन्याय मत करो महाराज। मैंने तो आपसे कोलू बनाने के लिए 100 रुपए कर्ज के लिए थे, तो मैं कब ज्यादा मांगता हूँ। परंतु सेठ जी मैंने तो आपको सूद सहित 105 रुपए दे चुका हूँ। अरे फिर वही सोच समझ कर बोल, ये कोई मोहल्ला टोला नहीं है, राज दरबार है, राज दरबार। सेठ जी सच्चे के लिए मोहल्ला टोला राज दरबार एक समान है, वहाँ पर परमपिता परमात्मा न्याय करते हैं, यहाँ महाराजा भर्तृहरि जी न्याय करें। लांछन लांछन, एक प्रतिष्ठित नगर सेठ पर इस भरी सभा में लांछन। सेठ जी लाओ, आपके पास कितना धन है? मेरे पास तो बहुत सा धन है महाराज, पर तेली के मामले का इससे क्या संबंध है? संबंध है, आपका धन आपको वापस मिल जाएगा। सेवक एक पात्र में जल लाओ, अभी न्याय हुआ जाता है। फैले हुए तेल के निशान साफ बता रहे हैं कि रुपया बहुत दिनों से तेली के यहाँ रहा है। तुम धनी और नामी पुरुष होकर भी अनर्थ करते हो। देखो
देखो एक मायादास देखो। नहीं नहीं महाराज, ये धन सेठ जी का ही है। मैंने तो जो कर्ज के रुपए लिए थे वो इसमें सम्मिलित है। ये धन तो सेठ जी का ही महाराज, मेरे खाने कमाने के लिए, मेरे हाथ पैर सही सलामत रहे महाराज। देखो सेठ मायादास देखो, यह तेली बन में तुमसे नीचा होने के पश्चात भी मान में कितना ऊंचा है। एक प्रतिष्ठित नागरिक का भरी सभा में इतना अपमान होना ही इसके लिए पर्याप्त दंड है। जाओ निर्णय का स्रोत झलक आया, सच्चाई छुपी नहीं आखिर जल में भी सत्य झलक। जगह जगह में ढाड़ा लग गया, भीड़ बनी है बारी, जगह जगह